हमारा ड्रैगन बैठा हुआ है। इसको होश ही नहीं है कि इसके पीछे मैं खड़ा हूँ। Dragon, it's me. Hey. Bichara. Dragon, hey, hey, kya? Hey, hey. Literally, मुझे हंसी भी बहुत आ रही और मेरा दिल भी जोर से धक 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 कर रहा है, क्योंकि अगर ये मुझे काट लेता ना तो मैंने आज हॉस्पिटल में होना। वो ड्रैगन ड्रैगन बच्चा डर गया है, ड्रैगन डर गया। सॉरी, हमने भी सॉरी। वही ड्रैगन मतलब कुछ बोल नहीं चाहता क्या। ओके ओके, अभी जो है वो सुबह का आगाज हो रहा है, सुबह का टाइम है, तकरीबन 5 बजे है और आज काफ़ी ज़्यादा स्पेशल दिन है, ठीक है ना। तो क्योंकि आज अम्मी अबू की एनिवर्सरी है, घर में काफ़ी ज़्यादा काम भी होंगे, तो उन कामों को भी निपटाएंगे और साथ में आपको थोड़े से शिशके भी दिखाएंगे। लेकिन लेकिन जिस वजह से हम लोगों ने ये वीडियो शुरू की है, जिस थंबनेल से, उसके बारे में भी हमें बात करनी है। चलो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। हाँ, तो मैं आ चुका हूं रूम में। मच्छर, पंखा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बंद है भाई, और किसी के लिए नहीं, क्योंकि आवाज खराब होगी। ये हमें क्या करना है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बताऊंगा। एक्चुअली हमारे एक भाई हैं जो कि टिकटॉकर हैं और इंडिया से हैं, लेकिन बात यह है कि वो सारी यूट्यूब कम्युनिटी को बुरा बोल रहे हैं और नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे मतलब कुछ पॉइंट्स उन्होंने भी अपने नुक्ता ए नज़र सामने रखे हैं, तो मैं भी अपने नुक्ता ए नज़र सामने रखूँगा। रोज़ चैनल तो है नहीं, तो हम व्लॉगिंग स्टाइल में थोड़ा सा करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो मेरी ट्राइपॉड गिर जाएगी, अगर आपको पसंद आए तो आपको पता है कि आपको लाइक करना। अच्छा, वीडियो साथ साथ चलेगी आपके भी, तो हाँ मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। What's up everybody? That's your boy Amir Siddiqui, live all the way from Mumbai. तो कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, घर में पल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इनटू 100 हो गया। जो यूट्यूबर्स हैं, ये जो रोस्टर्स हैं ना, ये वाकई में भाई ये ऐसा ही करते हैं कि टिकटॉकर्स की वीडियो जो है वो उठा के तो अपने मीम बना लेते हैं या रोस्ट बना लेते हैं। चलो तुम लोगों को भी फेम मिलता है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं अब भी आया हूँ अपने टिरेक्टर को पार्क करके अपने प्लॉट पे। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, टिरेक्टर को पार्क कर, टिरेक्टर, तो अभी हम इसका जायजा लेंगे इस टिरेक्टर का। गूगल पर जाएंगे और गूगल भैया से पूछेंगे इफ देयर इज एनी वर्ड टिरेक्टर। टिरेक्टर आई थिंक कि मैंने, चलो यार छोड़ो, आपको इस पॉइंट पे आपको माफी तलब। और गाइस सेकंड पॉइंट है सीसी, तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग, क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए यार। मेरे से अच्छा तो आप लोग जानते रहेंगे, आप लोग ही हमारे कंटेंट को एक्सप्लॉइट करके इतने प्यारे तरीके से यूज करते हो यार। टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट। बात तो भाई ठीक कर रहा है कि देखो वाकई तुम लोग जो है वो उसका कंटेंट उठा रहे हो, उसके नाम से पैसे कमा रहे हो, क्योंकि मजा ही वो दे रहा है भाई आपकी वीडियो में। अब डेफिनेटली अब यहाँ पर मैं जो हा 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 लगाता हूँ बीच में या ओ माय गॉड ये जो भी फनी क्लिप्स हैं, तो ये क्या है, ये मैं उसका नाम यूज कर रहा हूँ और इसी वजह से मेरी वीडियो में मजा आ रहा है।
इट्स मीन कि वो ठीक है, मतलब आगे बढ़ते हैं। तो यार गाइस, शायद हमारे कम्युनिटी वाले लोग को कंटेंट कॉपीराइट के बारे में नहीं पता रहेगा, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है और आप लोगों को भी अच्छे से पता है। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ, और बहुत कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन यार बहुत कुछ कर सकते हैं, आप बहुत कुछ करके देख नहीं करना है, क्योंकि यार एक दूसरे को हमने तो बस इतना ही सिखाया कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, प्यार करते चलो, मेरे को किसी से नफरत नहीं, हेट नहीं, और अगर किसी को मेरे से और ये बातों से प्रॉब्लम, ये बात मैं बोलूंगा भाई, इंडिया वालों के अंदर ये बड़ी चीज है कि एक दूसरे को सपोर्ट लाजमी करते हैं। कुछ भी हो जाए, एक छोटा बंदा है, एक बड़ा बंदा है, वो बड़ा बंदा छोटे बंदे को सपोर्ट जरूर करता है, वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, क्योंकि इंडिया की तरफ से मैंने बहुत सुना है कि सपोर्ट बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी हैं इनमें से थोड़ा सा जब इनके पास सब्सक्राइबर आ जाते हैं, फॉलोअर्स आ जाते हैं, तो ये यूं अकड़ जाते हैं, ये फिर यूं नहीं बैठते, ये यूं अकड़ जाते हैं और किसी को मुंह नहीं लगाते, सिर्फ उसको मुंह लगाते हैं जो इनके मुंह में पैसा ठूसता है और सिर्फ इनको स्पॉन्सर देता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मिसाल, मैं मिसाल के साथ बात करूंगा, लेट मी शो यू एन एग्जांपल, प्लीज टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट, ये कोई सीरियस एग्जांपल नहीं है। तो अभी हम करेंगे रुमाइसा को मैसेज। रुमाइसा, आई एम न्यू एट टिकटॉक, कैन यू प्लीज प्रमोट मी और माई कॉन्टेंट, let's see what happens. No! अच्छा बहुत हो गया, ठीक है भाई, मतलब ये जस्ट एन एंटरटेनमेंट के लिए ना, ये मैं खुद ही बनाया था, मैं पहले कह रहा हूँ रुमाइसा बाजी कोई इस तरह का चक्कर नहीं, आपने मुझे मुंह भी नहीं लगाया, मुझे पता है, तो खैर छोड़, तो आगे बढ़ते हैं। देखो हमने तो बस इतना ही सिखाया कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, प्यार करते चलो, मेरे को किसी से नफरत नहीं, हेट नहीं, और अगर किसी को मेरे से और ये बातों से प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज मेरे को डीएम कर लेना, मैं आपको डीएम में, मुझे भी डीएम कर लेना, ये यहाँ पर हुमायजली नाइन आया, मुझे भी डीएम कर लेना, अगर कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो तो मैं हाजिर हूँ भाई, हाजिर है, आगे बढ़ते हैं, समझा दूंगा बातें पर्सनली। तीसरी बात आती है कम्युनिटी सपोर्ट की। यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। अगर तुमने कोई कंटेंट बना दिया, महीने में आप तीन कंटेंट बनाते हो, वैसे भी अगर आपके तीन कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है, भाई बहन के वीडियोस तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर की वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे, मतलब भेड़ बकरी वाले चाल करते रहते हो तुम लोग, और उसमें भी तुम लोग आपस में लड़ लेते हो, क्या बात है यार, मतलब सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं। ये देख मेरे भाई, ये रजिस्टर है, और ये देख ये तो मैथ्स है बीच में, ये देख मेरी जान, मेरे जिगर के टोटे किधर गया, ये देख ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देख ये हमें लिखना पड़ता है, ये देख ये हम स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, ये लिखना पड़ता है हमको इसके ऊपर काम करना पड़ता है बैक एंड पे, समझे कुछ भैया, हम एक 8 सेकंड की वो भी डबिंग पे वीडियोस नहीं बनाते भाई, इवन मैं भी टिकटॉक बना रहा हूँ, लेकिन इसको मैं इज्जत देता हूँ भाई, इसको इज्जत, क्योंकि इसके ऊपर मेहनत करता हूँ मैं, इसके ऊपर हम लिखते हैं, काम करते हैं, आप सही गिरा था, तो ये मतलब ये बात जची नहीं यार, देखो कुछ तो लिहाज कर लो, चलो आगे बढ़ते हैं। बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की बात, तो हम जो टिकटॉकर्स की कम्युनिटी है ना, अगर कोई एक ट्रेंड आता है ना, हम लोग अगर कॉपी भी करते हैं ना, तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, हम लोग आई भी दे देते और सपोर्ट करते एक दूसरे को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे में अगर कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, जैसे कि फैजू हो गया, जन्नत हो गई, या फिर अशिका भाटिया हो, देखो भाई भेड़ बकरियों वाली बात नहीं है, देखो यूट्यूब पे जो बंदा है ना, अगर कोई मेरी वीडियो बनाकर मुझे फॉलो कर रहा है तो वो मेरी वीडियो को अपने नजरिए से बयान करता है, ठीक है ना, तो ये टिकटॉक पर भी होता है, अब ठीक है एक ट्रेंड चला यूं करके यूं तो ठीक है, हो रहा है वो तो ट्रेंड आ गया, वो सबने किया, लेकिन अब इस ट्रेंड को भी काफी ज्यादा लोग जो है वो डिफरेंट तरीके से करते हैं, कोई यूं करके तो यूं करता है, कोई यूं करके तो यूं करता है, और सिले आए हैं यार, मतलब क्या करके आ रहा हूं मैं, खैर आगे बढ़ते हैं, मैं इस मुद्दे में बात नहीं करूंगा इतनी। अच्छा, और जहां तक रही बात हमारी कम्युनिटी की, तो हम लोग यूनिटी में रहते हैं हमेशा, तो मैं आज ये बातें कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके, और गाइस यार कोई अच्छी बात है, तुम अपनी यूनिटी को जो है ना, मतलब यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अच्छी बात है यार, यूट्यूबर्स वाकई यूनिटी में नहीं रहते, क्योंकि इनके अंदर मेल मिलाप
मतलब ये सब कुछ चलता रहता है और इनके इसी तरह से व्यूज आते रहते हैं और ये खुश रहते हैं। लेकिन टिकटॉक पे वाकई ये इनके स्क्वाड्स होते हैं और ये एक दूसरे से काफी ज्यादा खुश होते हैं, मिलजुल के वीडियोस बनाते हैं, कभी उसके साथ क्लैब कर लिया, कभी उसके साथ क्लैब कर लिया, तो ये काफी अच्छी बात है। सपोर्ट की जहां तक बात है तो मैं पहले बता चुका हूँ कि इंडिया वाले सपोर्ट बहुत करते हैं यार, वाकई में वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि सारे के सारे आगे आए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि जो बड़ा है वो ये नहीं चाहता कि ये जो है वो यहाँ पर इसके सामने आए, जैसे ऊपर चला जाए, वो हमेशा यही चाहेगा ये नीचे रहे और दबा रहे इसके नीचे। राजपूत तो रुक जा। अच्छा आप लोग चिढ़ो मत, डीमोटिवेट मत हो, अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है, रोस्ट कर रहा है, तो उसको स्पोर्टिंगली लो। और मैं जितने लोग वो यूट्यूबर्स हैं जो तुमको अगर तुमको कोई ट्रोल कर रहा है, तुम्हारी माँ बहन ही करता है, तो तुम्हें उसको गलत लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें हिम्मत होनी चाहिए, अगर तुम किसी को बदनाम करोगे तो तुम खुद भी बदनाम हो सकते हो। ट्रोल करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। तो एक मेरी जान, मेरे जिगर के टोटे, इसको लिखना पड़ता है, इसको करना पड़ता है, इसके ऊपर काम करना पड़ता है। मैं क्या करूं, किधर चला जाऊं? मैं टिकटॉक मैं भी बना रहा हूं, दिन की 10 बना रहा हूं, मुंह धो के, बाल यू स्पाइक्स खड़े करके आ जा तो अपनी लुक्स दिखाने, और बस व्यूज भी आ जाते हैं, लाइक्स भी आ जाते हैं। अगर फॉलो करना चाहो तो ये देखो मेरी टिकटॉक की आईडी, यहां पे मुझे फॉलो कर लो, मजा आएगा। अच्छा है तो यार मैंने बहुत पका लिया, ये भाई साहब को माफी दो, अभी हम अपने शशके शुरू करते हैं। तो चलो, तो अभी मैं अपने बाजार के बीचों बीच में से जा रहा था, समोसे लेने आया था, बाजार पूरा बंद पड़ा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, कल लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो ये सारा बाजार खुला होगा। और ट्रस्ट मी के लोगों ने आज ही मास्क उतार दिए हैं भाई, लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी केयर करो। अजान सुनने, क्योंकि रोज़ा खुलने में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट रह गए हैं और आज मुझसे बिल्कुल वेट नहीं हो रहा। और आज स्पेशल इसलिए है कि गेस्ट आए हुए हैं, कल लॉकडाउन खुल रहा है तो उस खुशी में हम लोग टिक्का प्रोग्राम कर रहे हैं। एक्चुअली अम्मी अबू की एनिवर्सरी है तो उसको थोड़ा सा फैमिली गैदरिंग में जो है वो सेलिब्रेट करने लगे हैं। ये मैं क्या कर रहा हूँ, खैर अभी सब लोग जो है वो इकट्ठा हो गए हैं और अभी हम लोग कर रहे हैं टिक्का प्रोग्राम। सो दिस इज द शशका टाइम। बस भाई बस टिक्के बना बना के मत बच गई सी। तो अच्छा इस पे गौर कर रहे हैं, वो एक्चुअली मेरे ऊपर मैं लगाने बैठ गया था तो मेरे ऊपर थोड़े से वो छीन टिकड़ गए, तो फिर मैंने शर्ट चेंज कर ली। खैर तो प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी क्या नाम लेते हैं, बस ख़त्म हो गया सिस्टम, अल्लाह हाफिज़ करते हैं आपको, इंशाल्लाह आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे नहीं पता कि अब कैसा व्लॉग बनाएंगे कैसा नहीं, क्योंकि घर में रह के हम लोग पागल हो गए हैं लॉकडाउन इफेक्ट्स। प्लीज़ बेयर विद मी, अल्लाह हाफिज़।